आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये थी हमारी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, और मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन सभ्यता के समकालीन हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका होगा हमारा डी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान में विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष हमारे सुरकोटदा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा हमारा ऑप्शन ए राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो मोहरों के निर्माण के लिए सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था, इसका ऑप्शन ए सेल खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार और कृषि दोनों ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी शहरी सभ्यता थी, इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के जो भी घर थे हमारे, वो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा बंदरगाह वो लोथल था, लोथल हमारा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई। जो हमारे पैमाने थे वो हमारे कहाँ मिले थे, लोथल में। लोथल में हाथी दांत के पैमाने मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसको होगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में विभाजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा में ही सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसका होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशु का समान आरंभ
सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। तो इसका होगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया है? तो सिंध का बाघ कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो हमारी ऑप्शन सी त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो सूची एक में हमारे स्थल दिए गए हैं और सूची दो में नदियां दी गई हैं। तो हड़प्पा में हमारी रावी नदी थी, मोहनजोदड़ो में हमारी सिंधु नदी थी, लोथल में भोगवा नदी और कालीबंगा में घग्गर नदी थी। यानी कि इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। जो हलों से जोते गए खेतों के साक्ष्य हमारे कालीबंगा में मिले थे। कालीबंगा हमारे राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान पर मिलता है? तो ये मिलता है हमारा कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। तो ये पाया गया था हमारा मोहन जोदड़ो में।